जीवन में हमेशा हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। हर विचार एक बीज है। अब यह हमारा विवेक है कि हम अपने जीवन में क्या चुनते हैं, सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार। जो विचार हम चुनेंगे हमें जीवन में वही प्राप्त होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो अब हमें यह तय करना है कि हम जीवन में ब्रह्मांड से क्या आकर्षित करना चाहते हैं। जिस तरह रेडियो में हम जो सुनना चाहते हैं वही फ्रिक्वेंसी हम उसमें तय करते हैं, सेट करते हैं उसी में, उसी तरह जीवन में भी है। यदि हम सकारात्मकता को चुनते हैं तो ब्रह्मांड से हमारी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिविटी में सेट होती है। हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं होती हैं, सकारात्मक व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं। आज कोरोना के इस संक्रमण काल के दौरान क्यों ना हम अपने जीवन में यह छोटा सा बदलाव लाएं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक विचार चुनें। यदि हमें दिन भर में कोई भी नकारात्मक विचार आता है तो हम उसे 5 सकारात्मक विचारों में बदल दें। क्यों ना हम यह चुनें कि हम दिन में कई बार यह सकारात्मक विचार अपने अवचेतन मन को दें कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, मेरा शहर स्वस्थ है, मेरा देश के हर देशवासी स्वस्थ है, पूरा विश्व स्वस्थ हो रहा है। इस तरह जो हम ब्रह्मांड से आकर्षित करेंगे वही हमें मिलेगा। तो सकारात्मकता भी जीवन में लाने के लिए हमें जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने हैं। जैसे कि सुबह उठते साथ हम न्यूज़पेपर न पढ़ें, न्यूज़ न देखें और व्हाट्सएप न देखें। दिन में कोई एक समय तय कर लें जिसमें हम इन सब जानकारियों के लिए समय दें। रात को सोते समय भी यह न देखें क्योंकि यह सब हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। खाना खाते समय हम अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क में लाएं और वैसे ही विचार रखते हुए खाना व पानी पिएं। कोरोना के संक्रमण में हो रही मृत्यु पे न ध्यान देकर हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि इस संक्रमण काल के दौरान भी कितने लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं और उनकी संख्या निश्चित रूप से ज्यादा है। हम भारत सरकार द्वारा किए गए निर्णयों की सराहना करें, न कि उसमें गलतियां निकालें, क्योंकि जैसे ही हम ये करते हैं हम नकारात्मक आवृत्ति में जाने लगते हैं। अतः अब हमें यह चुनाव करना है कि हमें किस आवृत्ति में, किस फ्रिक्वेंसी में रहना है ब्रह्मांड की। तो हमेशा सकारात्मक सोचें क्योंकि सकारात्मकता हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, साथ ही साथ हमें ब्रह्मांड की उस फ्रिक्वेंसी में हमें सकारात्मकता ही जीवन में अधिक मिलती है। धन्यवाद। नमस्कार।